पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। आगामी महीनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और इजाफा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल पर प्रीमियम चार्ज वसूल सकती है। अप्रैल 2020 से देश भर में नए उत्सर्जन मानक लागू होने हैं। देश भर में कई जगहों पर अब BS6 फ्यूल भी मिलने लगा है। रिफाइनरियों में BS6 फ्यूल में अपग्रेड करने में तेल कंपनियों को काफी निवेश करना होगा। इस निवेश की भरपाई के लिए प्रीमियम चार्ज लाने पर विचार हो रहा है। अगर मंजूरी मिलती है तो 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 80 पैसे का इजाफा हो सकता है। वहीं डीजल की बात करें तो इसका दाम 1.50 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकता है। ग्राहकों से ये नई रकम 5 साल तक वसूली जा सकती है। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद वैश्विक स्तर पर प्रभाव वहीं पड़ेगा। हालांकि घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतें उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती हैं। BS6 अपग्रेडेशन पर सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम करीब 80,000 करोड़ रुपए निवेश कर चुकी हैं। वहीं निजी कंपनियां नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी काफी निवेश किया है। सरकारी और निजी तेल वितरण कंपनियों ने पेट्रोलियम मंत्रालय को BS6 अपग्रेडेशन में निवेश की पूर्ति के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाए जाने की अपील की है। ग्राहकों पर ये दुगनी मार होगी क्योंकि बजट 2019-20 में सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। सरकार ने ईंधन पर 1 रुपए अतिरिक्त स्पेशल एक्साइज और रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम पर 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में विश्व स्तर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने का दावा करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में राजमार्गों पर 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंफ्राक्षेत्र के विकास के लिए फंड कभी भी समस्या नहीं रहा है और न ही आगे कमी आएगी। मोटर वाहन कानून, ई टोल और कोच जुटाने के लिए इनविट जैसे कदम उठाने वाले गडकरी ने कहा कि हमने राजमार्गों और पोत परिवहन क्षेत्रों में पिछले 5 साल में करीब 17 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगली योजना के तहत आने वाले 5 वर्षों में 22 हरित राजमार्गों समेत अन्य सड़कों पर 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। फास्टैग के लागू होने के बाद प्रतिदिन की टोल वसूली बढ़कर 25 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इससे सालाना टोल वसूली 8000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहने की उम्मीद है। गडकरी ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर गिनाया। रियलमी नए साल में 5G कनेक्टिविटी के साथ X50 स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च करने की तैयारी में है। Realme X50 कंपनी का पहला 5G नेटवर्क वाला डिवाइस होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक Realme इस फोन के साथ C3 और 5i को पेश करने वाला है। इसके अलावा कंपनी के इन दोनों आगामी स्मार्टफोन को सिंगापुर से सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अब तक कंपनी ने लॉन्चिंग डेट का खुलासा नहीं किया है। अमर उजाला.com